नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों हल्द्वानी दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गोलापार स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल नैब में जाकर बच्चों से मुलाकात की और उनको प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने भी सीएम धामी को स्वागत गीत सुनाए। वहीं दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के मौके पर दिव्यांग बच्चों का कन्या पूजन कर उनके पैर धोए और उन्हें उपहार दिए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया है, वो अपने आप में प्रेरणा का काम करता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार दिव्यांग जनों के लिए काम कर रही है, ठीक उसी तरह सरकार इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और इसको स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके अलावा सीएम ने रामनगर में हो रही चीफ साइंस एडवाइजर गोलमेज सम्मेलन को लेकर कहा कि G20 समिट के लिए पूरे देश भर से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बीच उत्तराखंड को 3 महत्वपूर्ण आयोजनों का अवसर मिला है, जिसमें आज यानी 29 मार्च को होने वाला गोलमेज सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जिस तरह उत्तराखंड में विदेशी मेहमानों का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत हुआ है, उन्हें उम्मीद है कि विदेशी मेहमानों को इसे देखकर बेहद खुशी हुई होगी और वो उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम करेंगे। किस तरह से कार्यक्रम के लिए सरकार की योजना रहेगी तो और आगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो बच्चों को पहले इस प्रकार के बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम होते थे उनको विकलांग नाम से संबोधित करते थे, उनको सबसे पहले तो दिव्यांग उन्होंने नाम दिया, नया नाम दिया। और कहीं ना कहीं ये नाम भी ऐसा है कि इस नाम में भी अपने आप में प्रेरणा है और उनसे प्रेरित होकर आज मैं भी इस संस्थान में आया हूँ नैब में बच्चों के बीच में। और विद्यालय प्रबंधन अपना जहाँ काम कर रहा है वहीं सरकार की तरफ से जहाँ भी 350 हमने जो स्पेशल इनके एजुकेटर हैं उनको रखने का भी अभी प्रावधान किया है और इस संस्थान को भी आगे बढ़ाने में जहाँ भी अवस्थापना सुविधाएं अन्य सुविधाएं यहाँ पर थी उसके लिए सरकार काम करेगी, मैंने उनको बताया। देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की जो इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं उनमें से जो 4-5 प्रमुख मीटिंगें हैं उनमें से राउंड द टेबल मीटिंग एक भी है और उसमें हमारे उत्तराखंड के अंदर हो रही, रामनगर के अंदर हो रही। हमने सभी अतिथियों का, आने वाले सभी हमारे मेहमानों का, हम सभी का स्वागत कर रहे हैं और हमारे पूरे रास्तों में जगह जगह लोगों ने अपने घरों से बाहर आकर अपनी परंपरागत जो हमारे यहाँ की पोशाक है उन सब में आकर सभी अतिथियों का स्वागत किया, अभिनंदन किया है। निश्चित रूप से हमारे अतिथिगण जो आए हैं वो हमारे स्वागत से कहीं ना कहीं उनको खुशी हुई होगी और वो पूरे देश दुनिया के अंदर से आए हैं, यहाँ से जाकर उत्तराखंड को भी देश दुनिया के अंदर ले जाने का काम। तो ये खबर तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।